कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल बालिका वधू तो आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी आनंदी के किरदार में नजर आई थी। जहां सीरियल में इन्होंने अपनी एक्टिंग और अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग खास पहचान बना ली थी। लेकिन आज प्रत्युषा बनर्जी इस दुनिया में नहीं है, पर इसके बावजूद भी दर्शक आज भी आनंदी के किरदार को भुला नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप प्रत्युषा बनर्जी के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी दौलत शौहरत और मृत्यु होने तक की कहानी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको प्रत्युषा बनर्जी की दौलत शौहरत के साथ साथ मृत्यु होने तक की कहानी के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं, पर उससे पहले आप इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बालिका वधू सीरियल में आनंदी के किरदार को निभाकर दर्शकों के दिलों में राज करने वाली अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी आज हमारे बीच नहीं है, पर इसके बावजूद भी इंडस्ट्री में इनका नाम जग जाहिर है। इसी के साथ बता दें, इन्होंने इंडस्ट्री में अधूरी कहानी हमारी और रक्त संबंध जैसे कई सीरियलों का हिस्सा रही थी। तो वहीं प्रत्युषा बनर्जी बिग बॉस के सीजन 7 जैसे कई रियलिटी शोज का हिस्सा भी रह चुकी थी और इन्होंने अपने इसी टैलेंट और काबिलियत के बलबूते पर अपने नाम 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी, जिसकी बदौलत इनका मुंबई में एक काफी आलिशान घर था, जिसमें कई कमरे, शानदार लिविंग रूम, बालकनी और किचन मौजूद है। इसके साथ ही इन्होंने अपने इस घर को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया, जिसकी वजह से इनका घर दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। वहीं बता दी कि इन्होंने तांबे की मूर्तियों और यूनिक चीजों से अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है, तभी तो इनके घर का हर एक कोना काफी डिफरेंट और यूनिक नजर आता है और इसी वजह से इनका घर किसी महल से कम नजर नहीं आता। वहीं प्रत्युषा बनर्जी आज इस दुनिया में नहीं है, पर जब ये इस दुनिया में थी तो ये अपनी पर्सनालिटी को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखती थी। जी हाँ, इनके पास एक से बढ़कर एक डिजाइनर और महंगे कपड़े कैरी करती थी, जिनकी कीमतें 30,000 तक होती थी। तो वहीं अपने इन कपड़ों के साथ ये शूज और हील्स भी उसी अकॉर्डिंग कैरी करती थी, जिसकी वजह से इनकी हील्स और शू कलेक्शन में आपको डायर और डॉल्स एंड गब्बाना जैसे नाम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनका मेकअप, हैंडबैग और परफ्यूम कलेक्शन भी काफी शानदार था, जिस पर ये 35,000 तक की कीमत लगाने से पीछे नहीं हटती थी। वहीं बात करें इनकी शोहरत यानी पॉपुलैरिटी की, तो बता दें इनके इंस्टाग्राम पर 84.3K फॉलोवर्स थे। अंत में बात करें अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी की मृत्यु होने तक की कहानी के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने 1 अप्रैल 2016 को खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी। जी हाँ, बता दें ये अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में ही फांसी लगा ली थी और इनके माता पिता का कहना था कि प्रत्युषा बनर्जी अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह से तंग आकर इन्होंने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी और इस तरह से इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, प्रत्युषा बनर्जी की दौलत शौहरत से लेकर मृत्यु होने तक की कहानी के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।